हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं ब्रैकेट का। इसमें बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। देखिएगा तो बोर्ड मास में क्या करते हैं, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में इतने ब्रैकेट है, यहां से यहां तक देखिए 1 2 3 4 ब्रैकेट, फिर ऑफ है, उसके बाद डिवीजन है, फिर मल्टीप्लीकेशन है, फिर एडिशन है और फिर सब्ट्रैक्शन है। तो सारी चीजें यूज होंगी इसमें। इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन ऐसा बना रखा है, इस क्वेश्चन में सारी चीजें यूज हम कैसे करते हैं, स्टेप वाइज देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को देखने के बाद पता चलेगा कि सबसे फ्री पहले कौन सा होगा। सबसे पहले ये ब्रैकेट होता है, उसके बाद ये ऑफ साइन होता है, उसके बाद ये होता है, फिर ये सिस्टमेटिकली होते हैं, यानी क्रम से सॉल्व होते हैं, क्रम से सॉल्व होते हैं। तो ये पहले सॉल्व होगा, 8 - 6 = 2। ये 8 - 6 के लिए ब्रैकेट है, माइनस को छोड़ दो, ये 6 माइनस करके तब आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 8 - 6 हो गया, तो ये आ गया आपका 8 / 4 - 8 / 1/2 + 2, ये 6 है और 6 ये 2 है, -2 हो गया, इसकी जगह 2 आ गया। देखिए ये हो गया, शॉर्ट हो गया, क्वेश्चन ऑफ होता जाएगा शॉर्ट, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, 8 / 4 - 8 / 1/2 + 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इनटू करेंगे इसको, 6 - 2 = 4, 6 - 2 = 4, तो ये 4 आ गया, इनटू हो गया। इसमें कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बाहर, तो इसका मतलब ये इनटू हुआ, ध्यान रखिएगा ये इनटू कहलाएगा। अब क्या करें, डिवाइडेड बाय 2 है, क्लोज है, फिर 2 है, फिर क्लोज है, = 8 / 4 - अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या सॉल्व होने हैं। पहले तो ये सॉल्व होना है, ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट के भीतर है, कौन कौन फ्री है, एक तो ये सॉल्व होना है, प्लस साइन के इधर उधर के फ्री रहते हैं, ध्यान रखो ये फ्री हुआ और इसमें ये फ्री है, लेकिन इसमें पहले डिविजन सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 8, इसको कर दीजिएगा 8, ऑफ का मतलब हुआ इनटू, = 4, लेकिन जल्दी करते हैं इसको, इनटू का तो इनटू करके करते हैं, लेकिन ऑफ को पहले करना है, ध्यान रखिए 8 / 1/2 = 4 लिख दीजिएगा, प्लस ये प्लस साइन है। अब ये पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि पहले डिवाइड करेंगे, 2 * 4 = 2 लिख दीजिए, 4 / 2 करा, 2 आ गया, तो 2 * अतः ये 2 है * अब यहां पर कितना आया, इसकी जगह 2 आ गया। चलिए ये आ गया / 2 क्लोज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यस = 8 / 4 - अब यहां पर क्या है, प्लस है और ये इंटू है, पहले ये सॉल्व होगा, 2 * 2 = 4, तो ये आ जाएगा 4 + 2 * 2 = 4 आ गया, ये आ गया / 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं। अब इसमें 4 आ गया माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये रिमूव कर देंगे, 4 + 4 = 8 हो गया, कितना हो गया इस ब्रैकेट के भीतर, 4 + 4 = 8 हो गया, तो 4 - 8 आ गया। अब क्या है, ये ब्रैकेट गया, डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है, तो क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, फिर ये साइन फिर करेंगे, तो 8
डिवाइडेड बाय 4। अब पहले ये करो, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस इसकी जगह 4 आ गया, तो ये आ गया आपका 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 0। 8 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 8 बाई 0 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। ये 8 0 से किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, यानी 8 में किसी 0 का भाग दिया जाता है, तो ये जो है ये चलता रहेगा, कभी डिवाइड होगा ही नहीं, मतलब इतना लंबा जाएगा ये कभी समाप्त नहीं होगा, तो इसलिए जो है ये क्या है, नॉन डिफाइंड कहते हैं इसको। क्या कहेंगे, नॉन डिफाइंड, ये नॉन डिफाइंड हुआ, तो इसको हम इन्फिनिटी नहीं कहें तो नॉन डिफाइंड कहें। क्या कहेंगे, नॉन डिफाइंड, परिभाषित नहीं है, वैसे इन्फिनिटी लिखा जाता है, लिख देते हैं, इसी को हम इन्फिनिटी भी लिखते हैं, अनंत आ गया। तो ये स्टेप आपकी समझ में आ गए होंगे, एक एक करके देख लीजिएगा। लास्ट में बचा 8 अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये सब सारे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब यूज किया हमने पूरे एक क्वेश्चन में। अगर इसको ठीक से समझ गए तो आपकी समझ में सारे ब्रैकेट के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक एक स्टेप हमने कैसे करा है उसको देखिएगा, इसको सीखिएगा, और ये आपके लिए काफ़ी आगे काम आने वाली चीज है। आप इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, फिर नए वीडियो के साथ।